रेमेडीज एंड उसके ऑफेंस के बारे में, यानी कि प्राइवेसी चीज क्या है वो हम पहले बता चुके हैं, आज सिर्फ और सिर्फ हम कॉपीराइट के बारे में जानने वाले हैं। मेटा टैगिंग इट्स ऑल्सो टेकन बाई मी इन अ प्रीवियस सेशंस। सो वॉट इज कॉपीराइट, कॉपीराइट है क्या और कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? सो उसको जानने के लिए आपको ये वेबसाइट पे जाना चाहिए, copyright.gov.in, जो गुजरात गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, जहाँ पे आपको दिया गया है कि डॉक्यूमेंट का कॉपीराइट कैसे बनाते हैं। सो उसका डेफिनेशन इस तरह से बताया गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर अ लीगल राइट्स ग्रांटेड टू अ पर्सन फॉर हिज वर्क। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, यानी कि आपका जो बौद्धिक शक्ति है उसका आप लीगली राइट्स ले सकते हो, आप उसको ग्रांट करवा सकते हो, यानी कि आपका काम किस तरह से काम, फॉर एग्जाम्पल किसी ने अच्छा वाला डिज़ाइन बनाया हो, क्रिएटिव डिज़ाइन, उसका भी आप कॉपीराइट ले सकते हो। आपने किसी का लिटररी वर्क किया हो तो वो भी आप कॉपीराइट ले सकते हो। किसी ने सिंबल बनाया हो वो भी कॉपीराइट हो सकता है। किसी का फ्रेज फॉर फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आप 3 साल के लिए या 5 साल के लिए वो अच्छा वाला फ्रेज बनाते हो तो वो भी आप उसको कॉपीराइट करवा सकते हो। सो कॉपीराइट इट्स वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि आपका जो बौद्धिक शक्ति का कैपेसिटी है उसका आप कॉपीराइट ले सकते हो। जैसे कि सी डी पटेल नाम का कोई पर्सन है, तो सी डी पटेल नाम का पर्सन को अगर उन्होंने कुछ अच्छा वाला कोई आर्ट्स उन्होंने डिज़ाइन किया या क्रिएटिव डिज़ाइन किया, तो उस पर्टिकुलर आर्ट्स और डिज़ाइन का हम कॉपीराइट ले सकते हैं। सो कॉपीराइट मतलब क्या? तो यूएस के अंदर जो कॉपीराइट का मतलब ये दिया गया है कि ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप, यानी कि आप वो पर्टिकुलर वर्क का ओरिजिनल ऑथर हो जिसको आपको उसकी क्रेडिट मिलनी चाहिए, इसीलिए कॉपीराइट चीज है। जैसे कि रिटन बुक, आप देखते हो कई सारे बुक्स के अंदर पहले ही पन्ने के अंदर या फिर पीछे के पन्ने के पीछे आपको वहां पे कॉपीराइट बाय ऐसा लिखकर पब्लिकेशंस का नाम या फिर उस नॉवेल के ऊपर या फिर वो पर्टिकुलर पोएट्री के ऊपर या फिर लिरिक्स के ऊपर लिखा हुआ होगा। आप वो भी जानते हो कई सारे सॉन्ग्स के अंदर भी कॉपीराइट होता है, इन्होंने लिखा, लिरिक्स किसका है, म्यूजिक किसका है, वो सब कुछ म्यूजिकल वर्क, वो भी आप देखिए किसका सॉन्ग है, किसका कॉम्पोजिशन है, किसका रिकॉर्डिंग है, तो ये भी है। मूवीज के अंदर भी कॉपीराइट होता है, जैसे कि आप जानते हो कि ऐसी कई सारी फिल्म आई जो बुक से लेकर आई है, बुक्स के ऊपर डेरिवेट हुई है, तो अगर आप उस पर्टिकुलर बुक्स का वहाँ पे डेडिकेशन नहीं बता रहे हो तो वो भी इलीगली है। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वहाँ पे भी कॉपीराइट है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस, तो वहाँ पे आप अपना नाम बनाकर उसको बेच रहे हो या फिर सेल कर रहे हो तो वो सही नहीं है, आपको उसका कॉपीराइट मालूम होना चाहिए। सो कॉपीराइट चीज यहाँ से शुरू होती है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स। ऐसा सी आपको मिलेगा, आप वेबसाइट्स में भी देखते हो कई सारी जगह पे ये सी नाम का कैरेक्टर आपको दिखेगा विथ राउंड पर्टिकुलर फिगर्स। तो when you create a work, your work is automatically copyright, यानी कि जब आप काम करते हो तो वो काम आपका copyright बन जाता है, अगर आपने अपने end से सही ढंग से किया है तो। No one except you, यानी कि आपके अलावा कोई भी उसको adapt नहीं कर सकता, उसको reproduce नहीं कर सकता, उसको publish नहीं कर सकता, उसको recreate नहीं कर सकता without your permission, चाहे music हो, photograph हो, movie हो, even आपका computer का source code भी क्यों ना हो। सो दिस इज कॉल्ड कॉपीराइट। आपने क्रिएट किया तो आपका कॉपीराइट मिलना चाहिए, आप उसको एडॉप्ट करना, रिप्रोड्यूस करना, पब्लिश करना, रिएट करना, वो परमिशन दे सकते हो, लेकिन पहली राइट्स आपकी बन जाती है जो आप यूज कर रहे हो। तो ऐसे कई सारे प्रकार के कॉपीराइट के टाइप्स आते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो सिंबल है सी कर लिखा हुआ है, उसको ट्रेडिशनल कॉपीराइट कहा जाता है। वर्क कैन नॉट बी यूज्ड, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर सी लिखा है तो प्लीज अंडरस्टैंड, वर्क कैन नॉट बी यूज्ड, एडप्टेड, कॉपी, पब्लिश्ड विदाउट क्रिएटर परमिशन। अगर ये सिंपल सा सी लिखा हुआ है तो परमिशन, जिन्होंने बनाया उसका बिना परमिशन आप उसका यूज नहीं कर सकते। वॉट डज इट अप्लाई मीन्स, ऑल ओरिजिनल वर्क इज प्रोटेक्टेड अंडर द कॉपीराइट व्हेन इट इज क्रिएटेड, यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि उन्होंने पूरा का पूरा कंटेंट उनके पीछे कॉपीराइट प्रोटेक्टर में रखा है, तो आप बिना पूछे उनको, ओनर को बिना बताए आप कुछ भी उसका यूज नहीं कर सकते। दूसरा वाला जो है उसको कहते हैं सीसी, सीसी यानी कि क्रिएटिव कॉमन्स। क्रिएटिव कॉमन यानी कि वर्क मे बी यूज्ड विदाउट परमिशन, आपका काम आप बिना परमिशन को यूज कर सकते हो, लेकिन कहां, इट मे टेक सम सर्टेन सरकमटेंस, वहां पे सर्टेन सरकमटेंस दिए है। कैसे,
क्रिएटर सेट रूल्स, क्रिएटर अपना रूल्स बनाकर भेजता है, जैसे कि अगर आपने इस तरह से सिंबल है, अगर आपने इस तरह से सिंबल यूज किया है, अगर आपने इक्वालिटी यूज किया है, अगर आपने उसको राउंड यूज किया है, तो इसका अलग अलग सिंबल है। अगर आपने डॉलर का साइन देखते हो तो आप उसके साथ सेल नहीं कर सकते, आप यूज कर सकते हो बट यू कैन नॉट सेल बिकॉज ऑफ यू मनी नहीं बना सकते। तो ये डिपेंड्स करता है कि सीसी में कौन सा टाइप का रूल्स आपको वहां पे यूज किया है। सो ओनली वर्क दैट क्रिएटर हैव चूजन टू डेजिग्नेट क्रिएटिव कॉमन्स, अगर वो ऑनर है, वो ऑनर ही आपको रूल्स या रेगुलेशंस या परमिशन दे रहा है कि कौन से प्रकार का आप क्रिएटिव कॉमन में डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हो। अनदर पार्ट इज दैट इज कॉल्ड पब्लिक डोमेन, पीपी। यू कैन सी हियर द सिंबल्स आर डिफरेंट, यू कैन सी ये सी फॉर कॉपीराइट, सी फॉर क्रिएटिव कॉमन्स एंड पी फॉर पब्लिक डोमेन। वर्क कैन बी यूज एडेप्टेड कॉपी एंड पब्लिश कम्प्लीटली विदाउट रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज एवरी थिंग एज योर विश। और वर्क पब्लिश प्रायर टू द 1923, जरा ध्यान से देखिए 1923 के पहले पब्लिश किया हुआ चीज, वर्क बाय लॉन्ग डेड क्रिएटर्स, ऐसे कई सारे लोग थे जो मर चुके हैं, यानी कि उन्होंने का अभी देहांत हो चुका है, वो सारे वर्क का काम आप पब्लिक डोमेन के अंदर लेकर यूज कर सकते हो। तो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉपीराइट दैट मे बी यूज्ड बाय इन टुडेज मीडिया यूजिंग, यू कैन सी इट एंड चेक इट आउट। सो सेक्शन नंबर 51 जो आईटी एक्ट 2000 में है, उसका कॉपीराइट वर्क में आपको अगर कोई कॉपीराइट आपका किया हुआ चीज कोई यूज कर रहा है तो उसके ऊपर आप इनफ्रेगमेंट का चीज आप वहां पे लगा सकते हो। इनफ्रेगमेंट यानी कि व्हेन एनी पर्संस विदाउट लाइसेंस फ्रॉम ओनर ऑफ द कॉपीराइट और रजिस्टर ऑफ द कॉपीराइट और कंट्रावेंशंस ऑफ कंडीशन लाइसेंस ग्रांटेड और एनी कंडीशन इम्पोज बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द एक्ट, यानी कि आपका ही काम कोई बिना पीछे आपका ही पिक्चर बेच रहा है या फिर आपका ही सॉन्ग किसी और जगह पे कंपोज कर रहा है या फिर आपका ही किसी प्रकार का सोर्स कोड कहीं और नाम से बेच रहा है, तो आपको उसके ऊपर 51 नाम का सेक्शन लग सकता है, वो आईटी एक्ट में दिया गया है। एंड एनीथिंग एक्सक्लूसिव राइट टू डू व्हिच इज कंफर्ड अपॉन बाय द ओनर ऑफ द राइट्स, अगर ओनर उसका कॉपीराइट चेक कर लेता है और सही होता है तो उसके ऊपर आपका फाइन भी लग सकता है, जुर्माना भी हो सकता है और एनीथिंग एल्स। सो परमिट ऑफ प्रॉफिट एनी पीस ऑफ यूज, देखिए जरा परमिट ऑफ एनी पीस ऑफ यूज, पूरा काम नहीं यूज किया फिर भी अगर आपने बनाया है 10x10 का एक छोटा सा पिक्चर और उसमें से भी किसी ने छोटा सा पिक्चर उसमें यूज कर लिया है वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि कॉपीराइट पूरा चीज होता है, उसका पोर्शंस ऑफ पेज आप दोबारा यूज नहीं कर सकते बिना ऑथोराइज किए हुए। सो परमिट फॉर प्रॉफिट एनी पीस ऑफ यूज बाय कम्युनिकेशन ऑफ वर्क पब्लिश वेयर कम्युनिकेशन कंस्टिट्यूट एन इनफ्रिगमेंटमेंट ऑफ द कॉपीराइट इन द वर्क, याद रखिएगा जब आप किसी भी चीज का कॉपीराइट का यूज करने जा रहे हो तो पहले आपको उसको समझना चाहिए कि हाउ मेनी लेवल्स ऑफ दैट कॉपीराइट कंटेंट्स आर अवेलेबल एंड इज देयर एनी इश्यू रिगार्डिंग टू इनफ्रिगमेंट, तो वो देखकर आपको ये चीज को फॉलो करना है और किस तरह से इसको यूज करना है। व्हेन एनी पर्संस मेक सेल और हायर सेल और लेट्स फॉर हायर और बाय द वे ऑफ ट्रेड टू डिस्प्ले ऑफर फॉर सेल और हायर एन इनफ्रीगमेंट कॉपीज ऑफ वर्क, मान के चलो कोई पर्सन ऐसा कर रहा है जो सेल कर रहा है या फिर हायर कर रहा है या फिर उसको हायर कर बेच रहा है और एनीथिंग एल्स उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो कहीं जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है चाहे फ्री में हो या फिर पेड में हो, आइदर फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड और सच एक्सटेंस एज अफेक्टिवली प्रीजुडिशियली बाय द ओनर ऑफ कॉपीराइट, अगर वो बेच रहा है फिर भी ओनर को ऐसा लगता है कि वो वहां से कोई अर्निंग मनी कर रहा है और उसका अगर जुडिशियल में यानी कि आपके संसाधन कार्य के अंदर अगर वो उसके अगेंस्ट में जाता है तो आपका इनफ्रीगमेंट केस लग सकता है। किसी जगह पे आप पब्लिकली उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ एनी काइंड ऑफ इनफ्रीगमेंट कॉपीज बिना पूछे ऑथर का, किसी भी कार्य किसी भी पिक्चर को किसी भी मूवीज को किसी भी सॉन्ग को आप कहीं पे भी एग्जीबिशंस भी रख नहीं सकते। यू कैन नॉट बी इम्पोर्ट वो सारे कॉपीज को, जो कॉपीराइट है किसी का वो सारे कॉपीज को आप इम्पोर्ट भी नहीं कर सकते, इवन आप प्राइवेटली और डोमेस्टिकली भी इसका यूज नहीं कर सकते, तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। सो कॉपीराइट चीज आपका कॉपीराइट एक्ट में 1957 में डिफाइन किया गया है, उसका मतलब ये राइट टू कॉपी, किसी को कॉपी करने का राइट देना उसको कॉपीराइट एक्ट कहा जाता है,
जो अभी अवेलेबल है और किस तरह से अवेलेबल है देखिए, सेक्शन नंबर 13 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 जहाँ पे ये सारा काम वहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर आप वहाँ पे लिटरेसी वर्क कर रहे हो जिसको कंप्यूटर प्रोग्राम, टेबल्स, कंपाइलेशंस और कंप्यूटर लिटरेसी डेटाबेस कहते हो, तो वो कॉपीराइट आपका बन सकता है। ड्रामेटिक वर्क यानी कि आपने कोई ड्रामा बना है तो वो भी आपका कॉपीराइट बन सकता है। म्यूजिकल वर्क, आपने किसी का म्यूजिक ट्रैक, साउंड्स बनाए, इंस्ट्रूमेंटल बनाया है, वो भी आपका कॉपीराइट बन सकता है। आर्टिस्टिक वर्क यानी कि आपने आर्ट किया है, वो भी आपका कॉपीराइट हो सकता है। सिनेमाग्राफिक यानी कि मूवीज की सभी सारी चीज, वो भी आपका कॉपीराइट हो सकता है। साउंड रिकॉर्डिंग, वो भी आपका कॉपीराइट बन सकता है। तो ये सारी चीज को वहाँ पे कंटिन्यू यानी कि कॉपीराइट एक्ट में 1957 में उसको कंसीडर किया है। अब होता क्या है, कॉपीराइट इन फ्रेगमेंट यानी कि किसी ने आपका कॉपीराइट वाला मटेरियल यानी कि प्रोटेक्टेड मटेरियल विदाउट परमिशन कॉपीराइट ओनर को बिना पूछे उसको यूज किया, उसको प्रोड्यूस किया, उसको कॉपी किया या उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वहां पे कॉपीराइट इनफ्रेगमेंट लग सकता है। कॉपीराइट इनफ्रेगमेंट मींस राइट अफोर्डेबल टू द कॉपीराइट होल्डर। ऐसा नहीं है कि आप उसको यूज नहीं कर सकते, उसको यूज करने के लिए आपको परमिशन चाहिए या फिर उसको पैसे देने पड़ते हैं। सो कीप इन माइंड व्हेन यू आर गोइंग टू यूज एनी कॉपीराइट मटेरियल फॉर योर पर्सनल पर्पस और पब्लिक पर्पस और एनी अदर काइंड ऑफ पर्पस, यू शुड हैव टू टेक द राइट्स और यू शुड टेक द परमिशंस रिगार्डिंग टू पर्टिकुलर कॉपीराइट मटेरियल। सो यू हैव टू टेक केयर फॉर द पीरियड ऑफ टाइम और फॉर द थर्ड पार्टी। ऐसा नहीं है कि आप आज उसका परमिशन ले लिया तो आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हो, वो भी आपको पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीरियड के साथ काम करना पड़ता है। जैसे कि आपने किसी का कॉपीराइट मटेरियल यूज किया तो आप ओनर के साथ वहां पे परमिशन लेते हो कि मैं इसका 5 साल तक यूज करने वाला हूँ या 10 साल तक यूज करने वाला हूँ, तो आप उसके हिसाब से मुझे कॉस्ट ऑफ आपका कॉपीराइट्स बताइए। एग्जांपल, मूवीज और कॉपीज, आप जानते हो मूवीज और म्यूजिक बहुत सारे कॉपीराइट इंफ्रेगमेंट केस पे चलते हैं। जैसे कि एआर रहमान साहब का म्यूजिक किसी ने चुरा कर किसी और जगह पे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर एआर रहमान साहब किसी और जगह का वर्ल्ड म्यूजिक यहाँ लाकर कोई और धुन बनाकर यूज कर रहे हैं, या फिर आपका जो भी एक्स वाई जेड म्यूजिक कंपोजिशन है वो किसी और जगह का कॉपीराइट चीज आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है या यूज कर रहा है, तो वो सही नहीं है। सो कॉपीराइट इंफ्रेगमेंट कोड कहाँ हो सकता है, इन इंडिया कहाँ हो सकता है? तो सबसे पहला, कॉपीराइट की कॉपीज को सेल करना और हायर करना विदाउट परमिशन ऑफ अथॉरिटी, वहां पे हो सकता है और मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन पायरेसी में ज्यादा है। कॉपीराइट वर्क इज परफॉर्म इन पब्लिक प्लेस, सबसे ज्यादा कॉपीराइट का इश्यू पब्लिक प्लेस में आता है, क्योंकि कौन मालूम कौन करेक्ट कर रहा है, कौन किस चीज को हैंडल कर रहा है, वो भी मालूम नहीं होता। इनफ्रीक्वेंट कॉपीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड एंड पर्सनल गेन्स, मैं मेरे फायदे के लिए, मैं मेरा किसी का कॉपीराइट हुआ चुराया हुआ वीडियोज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो वो भी सही नहीं है, वो गलत ही है। प्योर एग्जीबिशन, पब्लिक एग्जीबिशन इनफ्रीक्वेंट कॉपी, जो अच्छा वाला किसी ने बनाया है उसका पिक्चर्स में इकट्ठा कर आपको एग्जीबिशन में ले जा रहा हूँ और वहां से मैं उसको बेच रहा हूँ, तो वो भी ज्यूडिशियल में आ जाता है। आप किसी चीज का कॉपीराइट, किसी भी प्रोडक्ट बनाई हुई चीज को उसका मेड इन हटाकर आप अपना मेड इन इंडिया या फिर मेड इन जोएंजो लगा देते हो, तो वो भी सही नहीं है। ये सारा चीज आपके इंडिया में भी हो रहा है, इवन दूसरे कंट्री में भी हो रहा है, तो वहां पे आपका कॉपीराइट इनफ्रेगमेंट लग सकता है। आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको समझना है व्हाट इज इनफ्रेगमेंट, सर उसके अगेंस्ट में क्या है। अगर आप ये चीज करते हो तो होता क्या है, तो पहले आपको प्रूफ देना पड़ेगा आपका ओनरशिप है, दूसरा आपके ओरिजिनल और इनफ्रेगमेंट कॉपी का सिमिलरिटी आपको प्रूफ करना पड़ेगा, यानी कि आपने ओरिजिनल काम किया उसका कितना परसेंटेज काम उन्होंने कॉपी और पेस्ट किया या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। कॉपिंग द अमाउंट इन प्रॉपर अप्रोप्रिएशन, आपका कितना अमाउंट लग सकता है अगर वो कॉपी कर रहा है, तो वो भी बताना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग इज टू सेंड अ लीगल नोटिस टू कॉपीराइट इंफ्रेगमेंट टू द पर्सन और एंटिटी गिल्टी और कॉपीराइट वायलेट। पहले आपको उस पर्टिकुलर पर्सन को जो यूज कर रहा है, जो इंस्टीट्यूट यूज कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है, उसके ऊपर आप इनफ्रेगमेंट का केस दर्ज कर सकते हो या फिर लीगल नोटिस उसको भिजवा सकते हो, यू आर गोइंग टू यूज माय कॉपीराइट मटेरियल फॉर सो एंड सो पर्पस, पहले ये करना है। इसके बाद कॉपीराइट इनफ्रेगमेंट एक्ट को आपको नोटिस को लेकर आप किसी भी ज्यूरिडिक्शन में जाकर अपना ये
केस दर्ज करवा सकते हो, चाहे वो सिविल केस हो सकता है, चाहे वो क्रिमिनल केस भी हो सकता है। तो ये सारा काम आप वहाँ पे कर सकते हो, और उसके लिए उसको जेल भी हो सकता है, उसके लिए आपको फाइन भी देना पड़ता है, कभी कभी दोनों भी हो सकते हैं। तो सिविल एक्शंस के अंदर ये कॉपीराइट इंफ्रेगमेंट किया है तो उसका सेक्शन 55 लगेगा, जो कॉपीराइट एक्ट 1957 में बना हुआ है। सिविल एक्शन के अंदर अगर कॉपीराइट इंफ्रेगमेंट करते हो तो कोर्ट क्या आपको ग्रांट दे रही है, देखिए, इंटरलोकेटरी इंजेक्शन, यानी कि इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट रिलीफ प्रिवेंट टू इनफ्रेगमर फॉर द डूइंग एनीथिंग दैट अमाउंट टू कॉपीराइट। अगर ये सारा केस लगता है तो जो एप्लीकेंट है, जिन्होंने ये फरियाद किया है, तो वो उसको पे करने के लिए रेडी भी होना पड़ता है। यानी कि अगर मैं किसी का चुराया हुआ चीज यूज करता हूँ और सामने वाला ओनर मुझे कॉपीराइट केस में ले जा रहा है, तो मुझे उसके पे करना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। फाइनेंशियल रिलीफ वहां पे आता है सेक्शन नंबर 55, 58, जो मैंने अभी बताया। एंटन पिलर ऑर्डर, यहाँ पे याद रखिए, एंटन पिलर ऑर्डर मतलब क्या है कि जब आप किसी भी चीज का गुड्स और डिस्ट्रॉइंग कर रहे हो इम्प्रेगमेंट के तौर पे, किसी का चुराया हुआ चीज को मॉडिफाई कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, मॉडिफाई कर उसका बेच रहे हो, तो वहां पे भी आपको इम्प्रेगमेंट यानी कि पिलर ऑर्डर के तौर पे आपको वहां पे भी किसी भी प्रकार का कॉपीराइट इन्फ्रेगमेंट लग सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मेरावा इंजेक्शन, मेरावा इंजेक्शन यानी कि आप टेम्पररी बेस पे कस्टडी में ले जा रहे हो किसी भी चीज को, तो उसको प्रिवेंटन रखना वो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बन जाता है। यानी कि मेरा कंटेंट किसी और ने चुराया, तो मैंने उसको लीगली फेस टू फेस लाइव उसको जकड़ा है, तो अब क्या होगा, जो मटेरियल यूज किया था उसको भी टेम्पररी मुझे कस्टडी में सही ढंग से रखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो उसको छेड़छाड़ किया जाए या फिर उसको टेम्परिंग किया जाए, तो मेरा कॉपीराइट का जो भी मैंने केस उस पे ऊपर लगाया है वो निकल जा सकता है या फिर वो रिमूव हो सकता है। नॉर्वेज फार्माकल ऑर्डर, यानी कि आपने जिस तरह से उसको अंडरस्टैंड किया है, जिस तरह से आपने उसको वहां पे कैच किया है, तो उसका भी इंफॉर्मेशन आपको थर्ड पार्टी से प्रूव करना पड़ेगा कि यस, दिस इज द थर्ड पार्टी हु आर प्रेजेंट राइट नाउ फ्रॉम वेयर आई एम गोइंग टू कॉपीराइट दिस एज अगेंस्ट सो एंड सो पार्टी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो उसके लिए क्रिमिनल केस लग सकता है। क्रिमिनल केस का 6 महीने से लेकर 3 साल तक आपको जेल हो सकती है, आपको 50,000 से लेकर 2 लाख तक आपका जुर्माना हो सकता है। सो जब आप किसी भी चीज के अगेंस्ट कॉपीराइट केस लगाते हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉपीराइट लोअर कौन है, उसके स्पेशलाइजेशन होते हैं। तो वो चीज आपको समझ में आना चाहिए, वो चीज आपको अंडरस्टैंड करना है, वो चीज आपको समझकर आगे बढ़ाना है कि ये क्रिमिनल केस में जा सकता है या सिविल केस में जा सकता है, और साथ में कौन से लोअर के साथ मुझे ये पूरा चीज मेरा डिस्क्लोज करना है और इसको बताना है। अब कॉपीराइट एक्ट किस तरह से अवॉइड किया जाता है, अब लोग क्या करते हैं, देखिए कॉपीराइट का जो मटेरियल होता है उसको अवॉइड किस तरह से करते हैं। अवॉइड को पहला काम ये करते हैं, तो वो पहले देख लेते हैं कि कौन सा ओरिजिनल लिटरेसी है, आरटीसी और म्यूजिबलर वर्क है, उसको क्या करते हैं, उसके कई सारे लाइसेंस और परमिशन देख लेते हैं, और फिर चेक करते हैं कि मेनी कॉपीराइट ओनर अलाउ देयर वर्क टू बी यूज्ड विदाउट नीड ऑफ डायरेक्ट परमिशंस। ऐसे कई सारे भी चीज अवेलेबल है, कई सारे म्यूजिक अवेलेबल है, कई सारा आर्ट अवेलेबल है, कई सारा ड्रामा अवेलेबल है, जहां पे आपको किसी की कॉपीराइट या किसी का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और वो आप इजीली गेट कर यूज कर सकते हो। ऐसे कई सारी कॉपीराइट वर्क है जो फेयर यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एजुकेशनल पर्पस, फॉर एग्जांपल रिसर्च पर्पस, तो आपको वहां पे कॉपीराइट नहीं यूज होगा। ऐसे भी कई सारे कंसल्टेंट है जो स्पेशली कॉपीराइट लॉयर के तौर पे काम कर रहे हैं, और वो आपको बताएंगे कि दिस काइंड ऑफ वर्क आर नॉट अंडर द कॉपीराइट, यू कैन यूज इट फॉर योर सो एंड सो पर्पस, तो वैसे भी आप उसका यूज कर सकते हो। तो ये 3-4 प्रकार के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जहाँ पे ये यूज कर सकते हो। पहला केस मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला केस कॉपीराइट का दोनों के बीच में हुआ था, वो एप्पल और सैमसंग के बारे में, और ये चीज आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और ये देखिए, सैमसंग को एप्पल को पेड किया 399 मिलियन स्मार्टफोन पेटेंट इन्फ्रेगमेंट, और वहां पे उनको $140 का मिलियन जुर्माना भी लगा, और सैमसंग का पूरा सेल का मुनाफा एप्पल खा चुका। तो ये जूरी अवार्ड्स एप्पल टोटल मिलाकर 539 मिलियन सैमसंग ने एप्पल को पे किया था, वो पहला पेटेंट केस था।
और